अगली खबर आपको बता देते हैं। उस वक्त जो अगली खबर हमें मिल रही है वो आपको बता दें, भोपाल से जहां धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम अब छिड़ गई है। रहवासियों की शिकायत पर मंदिर प्रबंधन को भी नोटिस, मंदिर प्रबंधन को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मंदिर में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर नोटिस जारी हुए हैं। एमपी नगर एसडीएम राजेश गुप्ता ने नोटिस जारी किया है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में नोटिस जारी हुए हैं। एसडीएम राजेश गुप्ता का बयान इस पर सामने आया है कि 50 की जगह 80 डेसिबल बजाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी लाउडस्पीकर बंद करने के निर्देश नहीं दिए हैं कलेक्टर से, मुझे कार्रवाई के निर्देश मिले। मंदिर प्रबंधन का ये कहना है कि उन्हें कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। वहीं एसडीएम का कहना है कि 50 की जगह 80 डेसिबल स्पीकर रेंज बजाई जा रही थी, यानी साउंड का जो रेंज है वो 80 डेसिबल बताया जा रहा है। एसडीएम ने मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। अवधपुरी थाने के खामरा मंदिर के जो मंदिर प्रबंधन है उनका कहना है कि कलेक्टर से उन्हें कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। एसडीएम ने मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्हें और उनके बेटे को जेल में डालने की धमकी दी जा रही है ऐसा बताना है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम अब शुरू हो गई है। एमपी नगर एसडीएम राजेश गुप्ता ने नोटिस जारी किया है। एक शिकायती पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ जिसमें ये पता लगा कि अमरावत खुर्द में, गांव अमरावत खुर्द जो एमपी नगर सब डिविजन में आता है, उसके तहत एक मंदिर है जहां पे बहुत सारे लोग जो आसपास के रहवासी थे वो आए, बुजुर्ग महिलाएं आई, बच्चे आए। उन्होंने कहा कि बहुत तेज आवाज में यहाँ पे लाउड स्पीकर दिन भर चलता है, इसके लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन से मुझे वो पत्र प्राप्त हुआ और जैसा कि इस दस्तावेजों में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डेसिबल में चीज़ें बजाई जा रही हैं और इससे लोगों के, बच्चों के, बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई बच्चे आए कि साहब हमारा पेपर ख़राब हो गया। एक बुज़ुर्ग माँ आई, उसने ये कहा कि इतनी तेज वहाँ चलता है कि मुझे हार्ट में ऐसा लगता है कि कभी भी हार्ट अटैक हो जाएगा। अब इन सब चीजों को सोच के हमने वहां पे एक नोटिस दिया है कि आप ये बताइए, अपना पक्ष रखिए कि आपके द्वारा क्या ये सही किया जा रहा है। तो इसमें कहीं भी किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष या किसी भी संप्रदाय विशेष की कोई बात नहीं है। आज मुझे बड़े दुख के साथ में एसडीएम श्री राजेश गुप्ता जी एमपी नगर व्रत भोपाल ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है आप खामरा मंदिर में ना तो भजन बजाएंगे, ना आरती बजाएंगे, ना सुंदरकांड का पाठ करेंगे, क्योंकि स्पीकर से आप उसे बजाएंगे तो मैं आपको बंद कर दूंगा मैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है एसडीएम साहब एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं। एक किसी व्यक्ति ने झूठी शिकायत की है, झूठी शिकायत करने के बाद में ना तो उन्होंने जांच की, ना उन्होंने कोई ही उसका संज्ञान लिया, बुला के तुरंत ही आदेश दे दिया अगर आपने टेप से भजन आरती सुंदरकांड अगर किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। क्या मंदिर में भजन बजना, सुंदरकांड करना, आरती बजना क्या गुनाह है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हिंदुस्तान में मंदिर में भजन आरती नहीं होगी तो कहाँ पर होगी, ये एसडीएम साहब हमें बता दें। मेरा एसडीएम साहब से एक निवेदन है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है,